हेलो फ्रेंड्स, पहले लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हमने कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए मुझे आज ही सबका श्रृंगार कंप्लीट करना है। जो हमारे 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, उनका श्रृंगार मैं कर चुकी हूँ। अब जो मैं श्रृंगार कर रही हूँ वो मेरे ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, इनका श्रृंगार मैं कर रही हूँ। इनका श्रृंगार मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सभी की तरह इन्होंने भी लाइट ग्रीन कलर की ड्रेस ही पहनी हुई है। ये लाइट थोड़ी सी है ऐसी, इसके लिए आपको डार्क ग्रीन दिख रहा होगा शायद वीडियो में, लेकिन ये लाइट ग्रीन पैरेट ग्रीन कलर की जो है ड्रेस है इनकी, यही इन्होंने भी पहनी हुई है। अब मैं इनका श्रृंगार आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं अब कर रही हूँ। इनको भी चेंज करके मैं पिंक कलर की ड्रेस पहनाऊंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए इनका हम श्रृंगार देखते हैं। यहाँ पे मैंने इनकी साज सजावट की सारी चीजें एकदम रेडी करके रखी हुई हैं, तो चलिए इनका श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो इनका मैं पहले एक बार ये ड्रेस जो इन्होंने पहना हुआ है इनको आराम से हम उतार लेते हैं। इस समय मैं शाम में श्रृंगार कर रही हूँ सारे भगवान जी का, इसीलिए मैं इन्हें अभी नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि ठंड है। तो सुबह इनका नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, अभी हम सिर्फ कपड़े बदल रहे हैं इनके। तो ये मैं सबसे पहले इनको पहना देती हूँ, इनकी पायल है ये। तो 1 मिनट बस मैं इनकी पायल पहना के, ये इस तरह की छोटी छोटी जो है लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए पायल मिल जाती है मार्केट में, बड़े आराम से मिल जाती हैं। ये स्टोन वाली पायल है पूरी, मैं बस एक बार इनको पायल पहना लूँ। तो पायल पहनाने के लिए हम इन्हें लिटा देंगे, जैसे हम रात में इनको सुलाते हैं उस तरीके से मैं लिटा करके पायल पहनाती हूँ इनकी। अब और कोई तरीका नहीं है इनको पायल पहनाने का, बैठा के इनको पायल पहनाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, नहीं पहना पाती हूँ मैं, इसलिए जैसे मैं इनको रात को सुलाती हूँ उस तरीके से मैं लिटा करके इनको पायल पहनाती हूँ। जैसे छोटे बच्चों को भी हमें कई काम, जैसे कान में अगर कुछ पहनाना है कुछ है तो लिटाना पड़ता है, उसी तरीके से मुझे मेरे बालक को भी लिटाना पड़ता है। सो जी फ्रेंड्स, ये मैंने इनको पहना दी है पायल, जो थोड़ी सी बड़ी है मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ कोई नहीं, इसे भी हम छोटा कर देते हैं। ये है इनकी आज की ड्रेस, ये पहनेंगे मेरे लाडले जी, बड़े वाले लाडले जी, छोटे वाले तो बिल्कुल सज संवर के बैठ चुके हैं। सो अब ये वाले जो है इनको मैं पहनाऊंगी ड्रेस, इन्हीं के साथ करेंगे ये राजसी श्रृंगार अपना, और बहुत 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 खूबसूरत लगेंगे। सो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल के लिए मैं जब भी ड्रेस लाती हूँ, जैसे ये मेरे जो लड्डू गोपाल हैं ये 5 नंबर के हैं, पर मैं इनके लिए जो ड्रेसेस लाती हूँ वो मैं लगभग 6 नंबर की प्रतिमा के हिसाब से लेकर आती हूँ, क्योंकि बाल स्वरूप है, इनके साथ खींचातानी और ये सब करना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो किसी भी भगवान के साथ खींचातानी करके कपड़े पहनाना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता जब कोई खींचतान करना पड़ता है हमें अपने कपड़े के साथ, टाइट होते हैं तब हमें नहीं अच्छा लगता, तो भगवान जी को कैसे अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं इनके कपड़े एक साइज इनसे बड़े ही लेकर आती हूँ, ताकि आराम से जो है इनको पूरे आ जाए। सो कई बार अगर आपको लगे कि आप एक साइज बड़ा लाए हैं फिर भी खींचतान हो रही है, तो आप यहाँ पे पीछे से इधर की तरफ से कुछ सिलाई हल्की सी खोल लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि बड़ा कपड़ा भी जो है नहीं बैठ पाता है। तो मैं हल्की सी सिलाई खोल के फिर वहां पर मैं एक टांका लगा देती हूँ, ताकि और नीचे ना खुलती जाए वो, नहीं तो फिर तो ड्रेस खराब हो जाएगी। क्यों नहीं पहन रहे हैं, रंग पसंद नहीं आ रहा है आपको? सो जी फ्रेंड्स, ये मैंने इनकी ड्रेस इनको पहना दी है। इसके बाद मैं इनको पहनाऊंगी कमरबंद। छोटे वाले लड्डू गोपाल पे मैं नहीं कर पाती हूँ इतना श्रृंगार, जैसे कि मैंने आपको बताया उनके कपड़ों में मतलब प्रतिमा में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो उनका श्रृंगार मैं इतने ठाट से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इनको मैं सब कुछ पहनाती हूँ। ये सब कुछ पहनते हैं, पायल भी पहनते हैं, कमरबंद भी पहनते हैं, बड़े बड़े कुंडल भी पहनते हैं, 2 तरह के हार भी पहनते हैं, ये सब पहनते हैं। उसके बाद मैं
इनको एक ये जरकन वाला हार पहनाऊंगी, ये इनके पास एक डायमंड का हार है, वो मैं एक यहाँ पे छोटा हार एज अ कंठी पहना रही हूँ। और इसी के साथ पिंक कलर का तो अभी मेरे पास कोई हार नहीं है इनके लिए, इसीलिए इस तरीके का मेरे पास एक जरी में मोती में हार है जो भगवानों के लिए आमतौर पे ज्वेलरी मिल जाती है, सो वही वाला हार मैं ये लंबा जो है इनको ये पहना रही हूँ। वैसे भी भगवान के लिए ये जो जरी वाली ज्वेलरीज मिलती हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं, ये अपने आप में जो है बिल्कुल फिलिंग होती हैं, फुलफिलिंग होती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं भगवानों पर। सो बहुत ज़्यादा तो मुझे मिलती नहीं है ये ज्वेलरी, बट फिर भी कहीं मिल जाती है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ले लूँ। तो ये मैंने इनको कमरबंद पहना दिया है, इसी के साथ मैंने ये दो हार इनके पहना दिए हैं, साथ ही इनका तिलक जो है ये जरकन का तिलक मिलता है मार्केट में, ये मैंने इनको लगा रखा है। ये जैसे जरी का हार है उसी तरह के जरी के ये इयररिंग्स हैं इनके, मोर बने हुए हैं इनमें, ये मैं इनको पहना रही हूं। सो बिल्कुल कान इनका जो है भरा हुआ लगता है। सो सुमन जी, अगर आपकी रिक्वेस्टेड इन राधा कृष्ण से थी तो ये श्रृंगार मैं इनका, मेरे लड्डू गोपाल जी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इनका कर रही हूँ। बाकी और भी श्रृंगार दिखाऊंगी आपका, जहां पे आपका क्वेश्चन आंसर हो जाए मुझे वहीं पे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनका श्रृंगार आप देखना चाह रही थी। और ये हम पहना देंगे इनके कड़े, सो मेरे लड्डू गोपाल के हिसाब से उनके कड़े भी थोड़े से बड़े हैं लेकिन चल जाता है। साथ ही में लगा देंगे इनके केश और इनकी पगड़ी। तो ये हो चुके हैं ऑलमोस्ट तैयार, बस मुझे देनी है इनकी बांसुरी और साथ में मुझे इनको लगाना है परफ्यूम। सो जी फ्रेंड्स, ये मैं इनको परफ्यूम लगा दूंगी। इत्र मैं नहीं लगाती हूं क्योंकि इत्र मुझे पता ही नहीं चलता कि वो लगा है कि नहीं, कोई खुशबू नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता उसका, कोई इफेक्ट ही नहीं रहता है। अब यहां से पहनाए तो यहां गिरा दिए। सो ये छोटी मोटी नोकझोंक मेरे कान्हा जी के साथ मेरी चलती रहती है क्योंकि ये मेरे भगवान होने के साथ मेरे भाई भी हैं, तो भाई बहन की नोकझोंक तो भाई चलती रहती है। सो ये हमने इनको दे दी इनकी बांसुरी। सो जी फ्रेंड्स, मेरे ये वाले लड्डू गोपाल भी हो गए हैं तैयार, बिल्कुल तैयार। और कमेंट करके बताइएगा कि इनका श्रृंगार कैसा लगा आपको। और सुमन जी, अगर आप इनका श्रृंगार देखना चाहती थी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये श्रृंगार कैसा लगा, आप फॉलो कर पाई चीजें या नहीं मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूँ मेरी बाल राधा जी के श्रृंगार के साथ। राधे राधे।